नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अवंतिका और आप देख रहे हैं जेजेएन न्यूज। नैनीताल की रामलीला में श्रवण कुमार का पाठ देखने के लिए भारी संख्या में लोगों की भीड़ नजर आती है। श्रवण कुमार एक पौराणिक चरित्र है। ऐसा कहा जाता है कि श्रवण कुमार के माता पिता अंधे थे और श्रवण कुमार अत्यंत श्रद्धापूर्वक उनकी सेवा करते थे। एक बार उनके माता पिता की इच्छा तीर्थ यात्रा करने की हुई। उनकी इच्छा को पूरी करने के लिए श्रवण कुमार ने बहंगी बनाई और उसमें दोनों को बैठाकर यात्रा कराने ले गए। एक दिन वो अयोध्या के पास पहुंचे, जहां रात के समय श्रवण कुमार के माता पिता को प्यास लगी। श्रवण कुमार पानी लेने के लिए अपना तुबा लेकर सरयू तट पर गए। तभी उसी समय महाराज दशरथ भी वहां पहुंच गए। श्रवण कुमार ने जब पानी में अपना तुबा डुबोया तो दशरथ ने समझा कि कोई हिरण पानी पी रहा है। उन्होंने उसी समय अपना शब्द भेदी बाण छोड़ दिया, जो सीधा श्रवण कुमार को लगा। बाण लगने पर श्रवण कुमार की आवाज जब दशरथ ने सुनी, तब उनको एहसास हुआ कि पानी पीने कोई हिरण नहीं बल्कि इंसान नदी के किनारे आया था। दशरथ जल्दी से श्रवण कुमार के पास पहुंचे। उनकी ये हालत देखकर दशरथ बहुत दुखी हुए। दशरथ को दुखी देख श्रवण कुमार ने कहा, मुझे अपनी मृत्यु का कोई दुख नहीं है, बल्कि मुझे अपने माता पिता के लिए बहुत दुख है। दशरथ ने देखा कि श्रवण दिव्य रूप धारण कर विमान में बैठे स्वर्ग की ओर जा रहे हैं। वहीं जब श्रवण कुमार के माता पिता को पता चला तो उन्हें बेटे के जाने का दुख तो हुआ ही, साथ ही दशरथ पर बहुत गुस्सा भी आया। उन्होंने दशरथ को श्राप दिया कि उनकी तरह दशरथ को भी पुत्र वियोग सहना पड़ेगा। जिस अग्नि में श्रवण कुमार का अंतिम संस्कार हुआ, उसी चिता में उनके माता पिता ने भी समाधि ले ली। महाराज दशरथ को मिले इसी श्राप की वजह से रामचंद्र जी 14 साल के लिए वनवास गए और राजा दशरथ ये वियोग सह नहीं पाए, इसलिए उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। इसी श्रवण कुमार के किरदार को बखूबी निभाते हैं नैनीताल के संतोष बिष्ट। वो 14 सालों से इस किरदार को इस तरीके से दर्शाते आए हैं कि लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उनके इस किरदार को लेकर लोगों में काफी चर्चा है। लोग तो उन्हें श्रवण कुमार के नाम से जानते हैं। संतोष बिष्ट सिर्फ रामलीला में ही नहीं बल्कि कई सारे कुमाऊनी गीतों में भी नजर आते हैं। संतोष बिष्ट का कहना है कि जब तक उनके प्राण हैं, तब तक वो श्रवण कुमार का किरदार निभाएंगे और असलियत में भी वो अपने माता पिता की खूब सेवा करते हैं। ये तो श्री राम जी की कृपा है और सभी दर्शकों का प्यार है, जो विगत मुझे 14 सालों से लगातार श्रवण कुमार पाठ करने का मौका मिल रहा है। इस किरदार में ना ही कम ये देखते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए और समाज का आदर्श भी बनते हैं। हाय मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, तीर जो तूने सीने में मारा, तीर जो तूने सीने में मारा। ये थी हमारी संवाददाता दीप्ति बोरा की रिपोर्ट। बाकी देश और दुनिया की तमाम जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।